हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं लेकर आई हूं नूडल्स की रेसिपी। नूडल्स हम सबको बहुत ही पसंद आते हैं, स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम यंगस्टर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ मैंने, अच्छा आपने शुरू में देखा, जो मैंने पानी बॉयल करके रख लिया गया था अलग से, वो मैं इसी में डालूँगी। तो मैंने पैन में ऑयल लिया और यहाँ पर प्याज डाल दी। उसके साथ मैं वेजिटेबल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो डाल लिए। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च डाली है। मैं ज़्यादा नहीं वेजी डालूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा नहीं डालना है, मुझे क्विक सी बनानी है। और फिर मैं टमाटर और हरी मिर्च भी डालने के साथ मैं यहाँ पर लाल मिर्च भी डालूँगी। लाल मिर्च ये ज़्यादा तीखी नहीं है तो मैं आधा चम्मच डालूँगी। अगर आपके पास तीखी हो तो ज़्यादा ना डालें। ये सिर्फ हमने कलर के लिए लिया है कि हमारा नूडल्स फीका फीका ना नज़र आया, तो थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए। और यहाँ पर मैंने डाल रखी है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस के लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही दे दूँगी, तो आप वहाँ से इजीली सर्च कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बना के रख रखी है यही वाली पिज़्ज़ा सॉस, होममेड है तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी है। और इसको मैंने 15 दिन मेरे पास तकरीबन हो चुके हैं और मैं इसे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, जो बॉयल करा हुआ पानी था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अब नूडल्स डाल देंगे। जो भी आपके पास अवेलेबल हो नूडल्स आप उसका बना सकते हैं, बहुत ही यम्मी बनती है। हाँ, अगर आप प्लेन नूडल्स, अगर इसके साथ मसाला ना हो आपके पास, तो आप ना इस पिज़्ज़ा सॉस की जो क्वांटिटी है ना वो ज़्यादा कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया था छोटे स्पून में, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि 3 ले सकते हैं, तो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी और स्पाइसी और कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। तो यहाँ पर मैंने ना नूडल्स का जो साथ में पैकेट आता है ना मसाले का, वो भी डाल दिया है। अच्छा देखिए, जो मसाले का पैकेट है वो पूरा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा उसे बचा के रखूँगी। और जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 नूडल का पैकेट लिया था, तो मैंने 1 पैकेट बचा के रख लिया है और 2 डाल दिया है इसके अंदर। अब मिक्स कर देंगे। अच्छा, पानी जो बॉयल होता है ना, इससे फ़ायदा क्या होता है, हमारा टाइम बस कंज्यूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हमें टाइम नहीं लगता है क्योंकि इसमें पानी डाले और फिर नूडल पके, तो वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, वेस्ट होता है सारा टाइम। खैर, ये मैंने जब तक मेरा पानी बॉयल हो रहा था मैंने अपनी वेजी सारी कट कर ली थी। और मैंने देखिए लास्ट में क्या करा, बस सिर्फ कुछ सेकेंड के लिए मैंने इसमें ढक के रखा और उसके बाद मैंने इसे बस इतना करा कि ये पक जाए, मतलब हल्का सा क्रंची ना रहे, हल्की सी नूडल पक जाए। और देखिए मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वहाँ पर मेरे नूडल कभी भी चिपचिपी नहीं बनते हैं। यहाँ जो मैंने मसाला बचा के रख रखा था मैंने ऊपर से वही डाल दिया है। और इसे मिक्स कर दूँगी। जब बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर देना आपने, तब डालना है ये मसाला, क्योंकि ये जो बाद में डालते हैं ना, ओहो क्या मज़ा आता है उसे बाद में डालने के बाद। तो आप ना ज़रूर इस तरीके से बनाइए और ये झटपट तैयार हो जाएगी। मेरे बात करते करते हुए तैयार भी हो गई और ये तैयार, और इसके साथ मैं खा रही हूँ। सो यम्मी, मज़ा आ गया। खैर, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और कमेंट्स के ज़रिए आप मुझे बताइए कि आपने ट्राई करी कि नहीं करी। और अब प्लेट में निकाल दें, किसी और को भी खिला दें ताकि उनको भी मज़ा आए। तो यहाँ मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, तो थोड़ा सा जो मैंने मसाला बचा के रखा था मैं इस पर ऊपर से वो भी डाल दूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बने रहिए वीगन किचन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।